हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पे इंग्लिश कैलेंडर 1991 का और इस्लामिक कैलेंडर 1411 और 1412 हिजरी कैलेंडर। तो और अगर इस वीडियो को आप फर्स्ट टाइम देखो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ में, आपके फ्रेंड्स के साथ में। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे तो सबसे पहला चेक करते हैं जनवरी का महीना। यहाँ पे तो ये जनवरी का महीना, यहाँ पे जनवरी के महीने के अंदर यहाँ पे इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से, इस्लामिक मंथ के हिसाब से यहाँ पे जुमादिल आखिर रजब का महीना यहाँ पे आ रहा है। तो रजब की जो पहली तारीख है वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 18 जनवरी को यहाँ पे आ रही है और वो दिन है फ्राइडे का। यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे आपको यहाँ पे जो ब्लू ब्लू में जो दिख रहा है यहाँ पे वो सब इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, और नीचे जो जो ब्लैक में जो लिखा हुआ है 14, 15, 16 वो सब इस्लामिक मंथ के हिसाब से, मतलब इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से। जैसे कि जुमादिल आखिर का ये जो महीना है यहाँ पे उसकी जो 14 तारीख है, 14 तारीख यहाँ पे, 15 तारीख यहाँ पे, 16 तारीख यहाँ पे, 17 तारीख यहाँ पे। तो नीचे जो ब्लैक में जो है वो सब इस्लामिक कैलेंडर के मंथ के हिसाब से यहाँ पे है। तो चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट मंथ कौन सा यहाँ पे आ रहा था। नेक्स्ट मंथ जो है फरवरी का महीना है यहाँ पे। तो फरवरी के महीने में यहाँ पे रजब का, शाबान का महीना यहाँ पे इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से यहाँ पे। तो शाबान की जो पहली तारीख है वो यहाँ पे इस दिन को यहाँ पे आ रही है और उस दिन का है 17 फरवरी, और जो दिन वो आ रहा है वो है संडे का यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे मार्च का महीना। तो मार्च के महीने में यहाँ पे शाबान का, रमजान का महीना यहाँ पे। तो रमजान की जो पहली तारीख है, मतलब रमजान जो स्टार्ट हुआ था वो 18 तारीख को स्टार्ट हुआ था, 18 मार्च को स्टार्ट हुआ था, और जो दिन है वो मंडे का यहाँ पे दिन है, और उसकी मतलब यहाँ पे 1 तारीख है वो रमजान की है। नेक्स्ट है यहाँ पे अप्रैल का महीना। अप्रैल के महीने में यहाँ पे रमजान का और शावल का महीना यहाँ पे है। तो शावल की जो पहली तारीख है वो इस दिन को है और उस दिन वो वेनेसडे का था, और जो तारीख जो थी वो 17 अप्रैल थी और वो दिन है वेनेसडे का यहाँ पे, उस दिन 1 तारीख थी शावल की। और नेक्स्ट है यहाँ पे मई का। तो मई के महीने में यहाँ पे शावल का, दुलकद्दा का महीना यहाँ पे। तो दुलकद्दा की जो पहली तारीख है वो थर्सडे को थी और 16 मई और दिन था थर्सडे का यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे जून का महीना। जून के महीने में यहाँ पे दुलकद्दा, दुलहिज्जा का महीना है, दुलहिज्जा का मंथ है यहाँ पे। तो दुलहिज्जा की जो पहली तारीख है वो 14 तारीख को यहाँ पे, तो 14 जून को फ्राइडे का दिन है यहाँ पे, उस दिन 1 तारीख यहाँ पे थी। नेक्स्ट है यहाँ पे जुलाई का। तो जुलाई के महीने में यहाँ पे दुलहिज्जा मुहर्रम का महीना है यहाँ पे, इस्लामिक न्यू ईयर यहाँ पे है, उस दिन का मतलब। तो यहाँ पे जो 1411 है वो चेंज हो गया यहाँ पे, 1412 यहाँ पे हो गया। तो मुहर्रम की जो पहली तारीख है वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से यहाँ पे 14 जुलाई, और जो दिन था वो थर्सडे का यहाँ पे था, और उस दिन यहाँ पे पहली तारीख थी मुहर्रम की यहाँ पे। यहाँ से इस्लामिक कैलेंडर का जो पहला महीना है यहाँ से स्टार्ट होता है इस दिन से। नेक्स्ट है यहाँ पे अगस्त का महीना। तो अगस्त के महीने में यहाँ पे मुहर्रम का, सफर का महीना यहाँ पे। तो सफर की जो पहली तारीख है वो इस तारीख को है, 12 अगस्त को थी, और दिन है मंडे का यहाँ पे, और उस दिन यहाँ पे 1 तारीख है सफर की महीने की। यहाँ से सफर का महीना यहाँ से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे सितंबर। सितंबर के महीने में यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सफर का, रबी अव्वल का महीना यहाँ पे। तो रबी उल अव्वल की जो पहली तारीख है वो है 11 सितंबर, और जो दिन है वेनेसडे का यहाँ पे, उस दिन यहाँ पे 1 तारीख है रबी उल अव्वल की। नेक्स्ट है यहाँ पे अक्टूबर का महीना। तो अक्टूबर के महीने में यहाँ पे रबी उल अव्वल और रबी उल आखिर का महीना है यहाँ पे इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से यहाँ पे, और उस दिन जो 1 तारीख यहाँ पे है वो है 10 अक्टूबर, और दिन है वो थर्सडे का यहाँ पे, उस दिन 1 तारीख है यहाँ पे रबी उल आखिर महीने की। नेक्स्ट है यहाँ पे नवंबर। तो रबीउल आखिर का, जुमादिल अव्वल का महीना यहाँ पे। तो जुमादिल अव्वल की जो पहली तारीख है वो इस दिन पे यहाँ पे आती है, और तारीख है वो 9 नवंबर थी यहाँ पे, और दिन था सैटरडे का यहाँ पे, और उस दिन यहाँ पे 1 तारीख थी यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे दिसंबर। दिसंबर के महीने में यहाँ पे जुमादिल अव्वल और जुमादिल आखिर का महीना यहाँ पे। तो जुमादिल आखिर की जो पहली तारीख है वो 8 दिसंबर को थी, और दिन था वो थर्सडे का यहाँ पे, उस दिन से यहाँ पे 1 तारीख थी यहाँ पे। इस मंथ की यहाँ पे जुमादिल आखिर की जो पहली तारीख है वो इस दिन से यहाँ से स्टार्ट हुई थी, इस तारीख से यहाँ पे स्टार्ट हुई थी।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ में, आपके फ्रेंड्स के साथ में। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट। ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।